हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीसी विचिक की। तो स्टूडेंट्स, हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन में हम दो चीज़ कवर कर चुके हैं, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। हमने हेक्सा बाइनरी और ऑक्टल तीनों कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। आगे चलते हैं। हमने हमेशा क्या किया है, चार रूल्स को हमेशा बाइनरी में हम पढ़ते आए हैं कि हमें चार बेसिक रूल्स हमेशा पता होने चाहिए। सिमिलरली हमारा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही है। पहला रूल क्या है, 0 × 0 ज़ीरो, 1 × 0 ज़ीरो, 0 × 1 ज़ीरो, एंड 4 1 × 1 इज इक्वल टू 1। ये तो सबको ही बेसिक रूल है, तो डेसिमल भी सेम ऐसे ही होता है, जिससे ज़ीरो से मल्टीप्लाई जाते हैं वो चीज़ ज़ीरो ही आ जाती है। तो एग्जांपल करते हैं, 1 1 0 1 0 0 1 1। अब इसको करेंगे, बेसिक रूल्स को याद रखेंगे, क्या होता है 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 एंड 1 1 1। सिमिलरली फिर से 0 1 0 1 1। अब ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 0 0। अब हम क्या करते हैं, हमेशा एडिशन करते हैं इनका, 0 0 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, एंड 1 + 0 इज इक्वल टू 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1। अब पहले इन दोनों प्लस करेंगे, 1 1 + 1 1 0 1 0 में ज़ीरो करेंगे क्या होगा, 0। तो हमारा 0 यहाँ, 1 यहाँ कैरी। अब इन दोनों का फिर से 1 1 1 0 0 1 कैरी। ये हमारा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। सेकंड है हमारा ऑक्टल मल्टीप्लिकेशन। सीधे एग्जांपल समझते हैं, 3 2 2 3 5। अगर हमारा ऑक्टल में जब बेस 8 होता है, मतलब 0 to 7, 7 से अगर कोई ग्रेटर वैल्यू होती है तो हम हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड करके उसका आंसर निकालेंगे, और अगर लेस देन 7 है तो नॉर्मल वैल्यूज़ लिखेंगे। 5 2 10, 10 क्या है, ग्रेटर है 7 से, 10 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 8, तो और कितना बचा, रिमाइंडर 2, तो हमारे पास क्या हो गया, 1 2। 2 को यहाँ रखेंगे, 1 कैरी कर देंगे, 5 2 10 11। अब हम क्या करेंगे, 11 8 1 8 3 कैरी, अब आगे 13। अब 3 यहाँ लिखा, 13 का जो 1 है वो हमने कैरी कर दिया, 5 3 15 + 1 16, 16 को डिवाइड करेंगे, 8 8 2 16 एंड कैरी, नो रिमाइंडर, 20 आया। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ 20 लिख देंगे, इन टू
टू जा सिक्स, नॉर्मल लिख सकते हैं, सेवन से छोटा ही है, सेवन के मतलब अंडर अंडर है, एक्टल के बेस के अंदर है। अब थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन क्या है ग्रेटर है, एट वन जा एट एंड रिमाइंडर वन, तो इसका वन वन हो गया, यहाँ पे आ गया वन वन। अब फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, टू सिक्स प्लस थ्री नाइन, नाइन क्या है ग्रेटर है, तो हम फिर से उसका डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा वन वन, वन यहाँ करा वन यहाँ लिख दिया, सिक्स प्लस वन सेवन, टू प्लस वन थ्री एंड वन, ये है हमारा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑक्टल का। अब हम करेंगे हेक्सा मल्टीप्लाई, इसको भी सीधा हम एग्जांपल से समझते हैं। 43, 25, 5 3 15, क्या है इसका बेस 16 एंड 0 to 15 होना चाहिए, और 10 के बाद हमारा 8 to कितना होता है एफ होता है। 5 से 15, 15 कितना होता है हमारा हेक्सा में एफ। आगे चलते हैं, 5 4 20, 20 क्या है ग्रेटर है हमारा 16 से, कितना बचा 4, अब क्या आया 14, 1 4 into 2 3 जा 6, 4 2 जा 8 एफ, अब प्लस करेंगे 6 प्लस 4 10, 10 कितना होता है हमारा हेक्सा में ए, 8 प्लस 1 9, ये है हमारा हेक्सा का मल्टीप्लीकेशन। स्टूडेंट्स अगर आपको नोट्स चाहिए हो डिटेल्स में तो मेरे को ज़रूर ईमेल करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।